सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री रामी जी का बोल सांचे दरबार की जय। सर्वस्याति हरे देवे नारायण नमस्तुते।
हंसयक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बाक्षरिके देवि नारायणि नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमस्तुते मयूरकुक्कुरविदे महाशक्तिधरे नखे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमस्तुते शङ्खचक्र गदाचार गृहीत परमायुधे रसीनवैश्रवीरूपे नारायणि नमस्तुते गृहीत्वा महाचक्रे दशाधृषभसुन्दरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमस्तुते विशृङ्गरूपे रोग्रेण हन्तुं दैत्यार्कितध्य मे त्रैलोक्यताडसहिते नारायणि नमस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतजत्या महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्तुते दशाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे कामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शत्रे पुष्टे सुदे धुरे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्तुते वेदे सरस्वती वरे भूति भाप्रमितामसि धीरजे त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते हे तत्ते भगनं स्वाम्यं लोचनत्रयभूषितम् पारुणा सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमस्तुते ज्वालाकरालमत्यग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पादुनो भेदभद्रकाले नमस्तुते हेऽस्ति दशतेजासि स्वर्णापूरयाजः साखण्डा पादुनो देवि पापेभ्यो नः सुदानिव असुरासुरमसापङ्कचन् स्वाचेषु वाक्येषु जगात्वधन्य मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वम् रक्षाति यत्रो प्रविशाति नागा यत्रारयोधस्तु बलानि यत्र दावानलो यात्र दशाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालयणोर्भीते नित्यं यदा सुरदधा धनुणैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजनिताश्च महोपसर्गा प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनाभिलोकानामरदाभव देव्योवाच वराहं स्वर्गणा वरं जन्मन सच्छथ कामरुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊषु सर्वाभाना प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव व्याकारभक्तव्यरिविनाशनम् देव्योवाच दैवक्षरन्तरे प्राप्ते अष्टा
विंशति मे युगे शुंभ शुंभ चैवानावुत्पत्येते महासुर नंदगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसंभव तदर्थो नाशयिष्यामि विंध्याचलनिवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीरहणिष्यामि व्यक्तचित्ता सुदानवान् भक्षयन्त्याश्रतानुग्रहं व्यक्तचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिका भूयश्च शर्वाशिक्या मणावृष्ट्या मणम्भसि मुनेभिः संसृता भूमौ सम्भविष्यामि यो निजा तदा श्रदेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मण्याः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मनेह समुद्भवैः हरिष्यामि सुराशाकैराविष्टैः पाणधारकैः शाकं परिचिविख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव भविष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षामि भक्षयिष्यामि मुनीनां कारणात् तदा मा मुनिरासर्वतोषन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा नाख्योके महाभागं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सन्ध्यजगत्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणे जमालोका सदा सोचन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा भाथ दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि साङ्क्षयाम् इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम प्रभा मृगपति स्कन्धाधिता भीषणा कन्याभिकरवालकेटविलसा हस्ताभिरादेविता हस्ते चक्रराजिजेटविशिगाश्चापं गुणं तर्जनि विभ्रा शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ यजुवाच एभिस्तवेशमार्यत्रं स्तोषतेजासमाहितः तस्याहं सरलाभानां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं केचयिष्यन्ति एतद्वधं शुम्भणशुम्भयोः अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति च ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् कातेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं नाते वेशवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्यतो वा न राजतः काशत्रा न तो जोघात् कदाचित् सम्भविष्यति
सैव काले महामारी सैव सृष्टे भवत्या स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले ऋणां सैव लक्ष्मी वृद्धि कृताग्ने सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा कंगोजिता पुष्पे धूप गंधादिभिस्तः अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवोवाच शिवो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत् नाकवचम् नारदः स्तोत्रम् कीलकम् नारहस्तकम् सूक्तम् नाभिधानम् च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत् अतिगृह्यतरम् देवे देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती वारणम् मोहनम् वश्यम् स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ग्लौं हौं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हंसं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिणि नमः कैटवहारिण्य नमस्ते महिषादिणि नमस्ते शुम्भमन्त्रे च निशुम्भासुरघातृणि जागतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐकारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका ह्रीङ्कारी कामरूपिणे बीजरूपेणमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायणि विच्चे च भयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि गाभिर्भूयते पत्नि वाभिर्भूमागधीश्वरि क्रान्तिकायिका देवी शां श्रीं श्रोमे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिणे जं 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 भणादिणि भ्राभिर्भ्रों भैरविभक्ते भवान्ये ते नमो नमः अङ्कटं तं पं यं शं विं ह्रं शं द्विजात्रं द्विजात्रं त्रोटय त्रोटय वीतं कुरु कुरु स्वाहा पामि भों पार्वती पूर्णा सप्तशतीदेव्या मन्त्रसिद्धिम् कुरुष्व मे इदम् तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्तिहेतमे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितम् रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी वीणाम् सप्तशतीम् पठेत् तस्य जायते सिद्धिः अरण्येऽहं यथा ॐ। श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेदव्यास द्वारा विरचित मार्कण्ड प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा अवतुद्धारकम् नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगत्यापि विश्वरूपे नमस्ते जगदन्दपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी साहि दुर्गे
नमस्ते जगत प्रमाण स्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञान रूपे नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत्तारिणि सहि दुर्गे अनाथाश्च दीनासदृशनाकुलस्य भयाताश्च भीतासबद्धाश्च जङ्घो त्वमेकागतिर्देव्यनिस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि सहि दुर्गे अरण्ये रणे Shiro Vanati Jaya Shana Mukha Sayo Jaya
सरस्वती वंदना Yeah.
श्रीराम वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्त जन तीन बार ओंकार रक्षकनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार रखे का नाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इस अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सच्चियां ज्योता जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। सर्वभूता जदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी तुम स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमोक्त्यः। देवी, जब तुम सर्वरूपा स्वर्ग का मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमोस्ते। कला काष्ठादि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार।
सर्व मंगल मंगल ले शिवे सर्वार्थ साधि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को शुद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्र वाली एवं गौरी हो। हम सभी भक्तगण भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी हम भक्तों पर कोई संकट का लान पड़ा है और उस समय या किसी विशेष देवता ने हमारी सहायता नहीं की है, तो अंत में हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और माता जी ने हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके हमारे सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर दी है। प्राचीन काल में हय हय वंश में उत्पन्न कार्तवीर नाम के एक महाराजा थे, जो भगवान विष्णु के अंश दत्तात्रेय जी के शिष्य थे और दान देने में अति रुचि रखते थे। अतः यज्ञ करके उन्होंने अपनी विपुल संपत्ति अपने कुल पुरोहित जो भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान में दे दी थी, जिससे ब्राह्मण पुरोहित बड़े धनी हो गए थे। कुछ समय के पश्चात राजा के स्वर्ग सुधारने के पश्चात उन है वंशी क्षत्रियों को धन की आवश्यकता पड़ी और वे जानते थे कि हमारे राजा द्वारा दिया गया हमारे पुरोहितों के साथ विशेष धन है, इसलिए उन्होंने पुरोहितों से धन की याचना की। बड़े विनीत भाव से उन सभी ब्राह्मणों ने कहा हमारे पास नहीं है, नहीं है, और इस प्रकार वो धन को जमीन में गाड़ करके अन्य स्थानांतरण करके वो क्षत्रियों से भयभीत हुए अन्यत्र चले गए, स्थानों पर चले गए। और उधर क्षत्रियों ने उनके घरों में आकर के सारे धन को पृथ्वी से निकाल लिया, जो गाड़ा हुआ धन था। तब सभी जो वाली माता जयकारा शेरा वाली जीदा ये देख करके सभी ब्राह्मण की हमारे घरों से जो पृथ्वी में गाड़ा हुआ धन सभी निकल चुका है, तो सभी ब्राह्मण क्षत्रियों के शरणागत हो गए। परंतु फिर भी जो क्षत्रिय थे उन पर कोप किए हुए वानों द्वारा प्रहार करके उन ब्राह्मणों का संहार करते रहे, जहाँ तक कि जो गर्भस्थ शिशु थे माताओं के गर्भ में उनका भी वध करने लगे। वे बेचारी स्त्रियाँ जिनके गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे वो कुर्री पक्षी वांति विलाप करती थी। मुनियों ने उनको समझाया कि इस प्रकार का घोर पाप करना आप छोड़ दो, क्योंकि घोर पाप तथा पुण्य का फल मनुष्य को इसी लोक में प्राप्त हो जाता है। परंतु सभी क्षत्रियों ने कहा कि ये सभी जो ब्राह्मण हैं पाखंडी हैं, भक्त वृत्ति वाले हैं, इन्होंने हमारे राजा का धन इसी प्रकार लूट लिया जिस प्रकार एक लुटेरा पति का रास्ते में धन लूट लेता है। हमने बड़े विनीत भाव से चतुर्थांश वृद्धि पर भी इनसे धन मांगा था, परंतु इन्होंने हमको नहीं दिया। ना ही इन्होंने धन का कोई दान किया, ना ही उपभोग किया, ना कोई यज्ञ किए। और दान की तीन गति हैं, जो ना दान धन का दान करता है ना उपभोग करता है उसका धन अपने आप नाश हो जाता है। जो ना ददाती न भोगती तस्तिथि आ जाते, उसकी तीसरी गति यह है कि वो धन का नाश हो जाता है, इसलिए ये दंड के अधिकारी है। पुनः वो वानों द्वारा प्रहार करके उन ब्राह्मणों का वध करने लगे। वो बेचारी स्त्रियां खीन काय दशा में रोती विलखती हुई जिनके गर्भ नष्ट कर दिए गए थे हिमवान पर पहुंची और वहां नदी के किनारे उन्होंने माता की मिट्टी की मूर्ति बनाई और निराहार रहते हुए मरण व्रत के लिए निश्चय कर लिया। इस पर प्रसन्न हो रहे माता जी ने एक दिन स्वप्न में उन सभी स्त्रियों को दर्शन दिया और कहा कि आप में से एक चौथर स्त्री अपनी जंगा में गर्भ धारण करेगी और मेरा अंशभूत बालक आपका उद्धार करेगा, आपके कष्ट को दूर करेगा। उनमें से एक चौथर स्त्री ने जंगा में गर्भ धारण किया और जब वो गर्भ के तेज से जा रही थी तो उस जाती ही भागती जो स्त्री को क्षत्रियों देख लिया और वो तलवार लेके उसके पीछे लगे, उसका वध करने के उद्यत हो गए। इसको पकड़ लो, पकड़ लो। इस प्रकार दयनीय दशा वाली रोती हुई विलखती हुई थर थर कांपती हुई एक गर्भिणी हिरणी के समान जिसको शेर ने पकड़ लिया है, ऐसी दशा वाली माता का रुदन करते हुए तो सुन करके वो जंगा में जो गर्भस्थ बालक था वो दूसरे सूर्य की वांति जंगा का वेदन करते प्रकट हुआ, जिसको देख करके इसके प्रकाश को देख करके क्षत्रियों की आंखें जो थे वो
जो वो चक्षुभीन हो गए, कुछ देखने में असमर्थ रहे और कंद्रा में इधर उधर फिरने लगे। तब मन में विचार करने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि इस बालक को देखते ही हम सभी चक्षुभीन हो गए। निश्चित रूप से इसी पतिव्रता नारी का श्राप है, क्योंकि पतिव्रत सबसे बड़ा धर्म है और इसने हमको श्राप दे दिया है। उस स्त्री की शरण गए और प्रार्थना की कि देवी आप हमें क्षमा कर दो, हम आपके सेवक बन जाएंगे, कभी भी आप ऐसा जो अधर्म नहीं करेंगे, आपको नहीं सताएंगे, आप पुत्रवती हो, हमें दृष्टि प्रदान कर दो। तब उस स्त्री ने कहा कि मेरी वास्तविक वाणी छोड़ो, मैं आप पर कुपित नहीं हूँ। मेरी जंगा में जो गर्भ बालक था, जिसको 100 साल तक मैंने गर्भ में धारण कर रखा, जंगा में इसने 6 अंगों से वेदों का अध्ययन कर लिया है, ये माता की कृपा से हुआ है। ये आप पर कुपित है, जब आप ब्राह्मणों का वध कर रहे थे, गर्भस्थ शिशुओं का वध कर रहे थे, तभी मैंने जंगा में इसको गर्भ धारण किया था। बालक की शरण में गए, उसे प्रार्थना की और उस बालक ने कहा कि ये सारा विधि का विधान था, अभी आप शांत चित्त होकर के अपने अपने घरों में चले जाओ और उनको दृष्टि प्राप्त होगी और उसे आज्ञा लेकर के अपने अपने घरों में चलेंगे। और वह स्त्री भी उस बालक का विधि पूर्व पालन करने लगी। यानी का तात्पर्य यही है कि जभी जभी जगत में हम ही नहीं, देवताओं पर भी जब कोई संकट काल आन पड़ा है, उस समय उन्होंने अंतकाल में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति, ऐश्वर्य एवं ज्ञान से परिपूर्ण कर रही है। तीनों माँ शक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान करती ही परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के उच्चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं, केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः, इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के उच्चारण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर किसी देश विदेश में सिद्धि मान प्राप्त होता है। और क्लीन के उच्चारण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुता रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी दृष्टि ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंट योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से, अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा
शिरोवल जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मां तेरे दरबार में रौनक लगी देखी है, मां तुझे देते हुए नहीं देखा मगर झोली भरी हुई देखी है, तुझे देते हुए नहीं देखा मगर झोली सबकी भरी देखी है। माँ तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, रहमत के सदके ये बंदे तेरे, ओ तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, ओ क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, ओ क्या से क्या हो गए देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी ना था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी ना था, बादशाह हो गए देखते देखते। माँ तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, ओ क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सदके ये बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ऋषि मुनियों ने तेरी देवताओं ने भी, तुझको ढूंढा मगर तू भ्रम ही रही, ढूंढा मगर तू भ्रम ही रही, तेरे दर का पता खोजने वाले खुद, तेरे दर
के सदके ये बंदे तेरे, रहमत के सदके ये बंदे तेरे। हाँ कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते। हाँ तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, रहमत के सदके ये बंदे तेरे। वो कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते। कोई मुश्किल पड़ी मेरे भक्तों पे जब कोई मुश्किल पड़ी, तू दुर्गा महाकाली चंडी बनी, तू दुर्गा महाकाली चंडी बनी, तू दुर्गा महाकाली चंडी बनी, दुर्गा महाकाली चंडी बनी। तेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे, तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, रहमत के सदके ये बंदे तेरे। हाँ कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते। सारे धड़ से जुदा करना मुश्किल पड़ा, हर धड़ से जुदा करना मुश्किल पड़ा, तेरे भक्तों ने करके दिखाई दिया, तेरे भक्तों ने करके दिखाई दिया। तेरी सरद पत्थर को चढ़ाने वाले, सरद पत्थर को चढ़ाने वाले, शहंशाह हो गए देखते देखते। तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, रहमत के सदके ये बंदे तेरे। कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते। तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, रहमत के सदके ये बंदे तेरे। कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते। वो कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, शहंशाह हो गए देखते देखते। तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, तेरी रहमत के सदके ये बंदे तेरे, सदके ये बंदे तेरे। कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते। वो कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए कर रहे हैं श्री मनिंदर। जय करा शिरोमणि जी का, बोल सच्चे दरबार की।
मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मां मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल गई है, करता करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा, ओ मां मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, चीज की अब सरकार भी नहीं है, तेरी कृपा से मेरा कल्याण हो रहा है, तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं था काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है, मां मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है।
से अब काम हो रहा है। माँ मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। माँ मेरा सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। जय करा शिवमणि जी का बोल सच्चे दरबार की। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यश बाबू। जयकार शरण बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे नाम जपा मैं माला माला तेरे नाम जपा मैं माला ओ शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दी ओ तेरे नाम दी जपा मैं माला माला तेरे नाम दी जपा मैं माला खुशियावाली कर कृपा। तेरे नाम दी तेरे नाम दी जपा मैं माला माला तेरे नाम दी जपा मैं माला खुशियावाली कर कृपा। तेरे नाम दी तेरे नाम दी जपा मेरी बगिया बिच बंदर कर्म कमा बन वाली करो चोली मेरी मात जमाना साथ करो चोली मेरी मात जमाना तेरा वाली कर कृपा। जपा मैं माला शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दी तेरे नाम दी जपा मैं माला साथ तेरे नाम दी जपा मैं माला शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दी ओ तेरे नाम दी जपा मैं माला शिरावली कर कृपा। तेरे नाम दी मन मंदिर दे विच भवानी आपे करो बसरामा मन मंदिर दे विच भवानी आकर करो बसरामा अपनी ज्योति दे दे शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दे
ओम नागाधीश्वर वेष्टरा पाणिपनो तुम सोरुरत्तावली भाष देहलता देवा करणे वाम नेत्रतयो दासिदाम माला कुंभकपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ाम पराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम परमावती चिंतये सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रा वसवा समिंद दान पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ जन्ने कृतेन संतन्म वर्धयस सत्या संतु जरमानस कामा मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा छतुना बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव क्षीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं छत्सवत्सं दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पर सभी आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भागत दूर विराजत
देवत नर नारी ओम जय अम्बे
सच्चे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिदा, शक्ति रूपेण संसिदा। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिदा, लक्ष्मी रूपेण संसिता। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संसिदा। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संसिदा। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिदा। नमस्तस्यै नमो नमः। कन्या ज्योता वाली माता तेरी सदा, शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, रंगल बोलो जय माता दी, रहे बेला जय माता दी, संध्या बेला जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, टोलिया वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, हाथ वाणी जय माता दी, जट कल्याणी जय माता दी, मामा रानी जय माता दी, भिंडी रानी जय माता दी, वैष्णो देवी जय माता दी, बच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा। सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों दर्शन करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो रहि, यशो देहि दिशो रहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तगण बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता। व्रत में गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय त्रिमला शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया कतर चौसठ घड़ी जो चरणा दाता जय मां।
सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेर हमारी दा।